हमारी सरकार बदली गई हुई है, हमें कोरोना के लिए घर पे बिठाया गया है, काम काज कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं संघर्ष करने आए हैं और हम एक लड़ाई जीत कर रहेंगे। हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें मोदी सरकार डरा रहा है कि कोरोना है घर में रहो, हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, इसलिए हम धरना धरने के लिए आए हैं, अपना कानून वापस लाने के लिए आए हैं। ये सरकार जनता के खिलाफ जंग छेड़ दिया, अरे जंग लोग लड़ रहा है, लड़ते रहेंगे, वो जितना हिटलर शाही करेगा उसका नतीजा हिटलर जैसे ही होने वाला है, और इसी दिशा में मजदूर किसान एक साथ कटिबद्ध है, देश को बचाने का लड़ाई लड़ रहा है। दे आर नॉट ओनली फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स बट ऑल्सो टू डिफेंड द नेशनल इंटरेस्ट व्हिच इज बीइंग मॉर्टगेज बाय द मोदी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज इन फेवर ऑफ द फॉरेन कैपिटल एंड चीटिंग द पीपल इन द नेम ऑफ आत्मनिर्भर। It is all fraud is being playing on the people, workers and peasants, mazdoor kisan milke jamke isko virodh kar rahe hain. Hitler sahi nahi chali to nahi sahi nahi chalega, Hitler sahi nahi chali to nahi sahi nahi chalega, Hitler sahi nahi chali to nahi sahi nahi chalega। Sarkar jo police daman badha kar ke soch rahi ki ye program hum fail kar denge, जहाँ तक मुझे आशा है जिस काम के लिए जंतर मंतर पर किसान या मजदूर आना चाहते थे वो सरकार जो है करा दी बॉर्डर रोक करके, और यहाँ भी आज जंतर मंतर पर जो देखा जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों से जत्थे के जत्थे लोग जहाँ तहाँ जो है प्रशासन को धक्का दे रहे हैं, और इस सरकार अपनी खुशी मना रही है कि हमें इनको प्रोग्राम को असफल कर दिया। तो हमें ही जो सरकार की जो गलत नीतियाँ है हिटलर शाही है, इसको हम हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए अब कमर कस लिए हैं, आने वाला समय में इन्हें मुंह की खानी ही होगी और एकदम किसान मजदूरों को जीत होगी। धन्यवाद। अभी जो है कि पूरा जो दिल्ली के अंदर में जो मेट्रो स्टेशन बंद है और आने जाने नहीं दे रहे हैं, और कल रात से यहाँ पे से गुजरने वाले लोगों तक को लेके अरेस्ट करके लेके गया है, पूरा तानाशाही तरीके से एक टेरर का एटमोसफियर क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे आके पहले से बात खो चुका है, हमने काफ़ी बार यहाँ किया है, अभी तो शुरुआत से ही हमें कोने में धकेल के ये कोई सामूहिक दूरी का वो नहीं करके यहाँ पे एक बंदोबस्त किया है। तो अभी अलग अलग लोगों का बिना बताए भी पकड़ के ले जा रहे हैं। अभी यहाँ का जो पब्लिक मीटिंग इट वॉज अ सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट, उसको तो डिस्पर्स किया गया है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि लोगों को लेके भी जा रहे हैं और यहाँ किसानों का आंदोलन भी चल रहे हैं ये अलग अलग तरीके से। तो इसके अंदर में तो कोई ये नहीं है कि ये हड़ताल तो सक्सेसफुल हो गया है, इसमें कि करीब 30 करोड़ से ऊपर लोगों का किसान और मजदूर का भागीदारी हो चुका है, और अलग अलग जगह में रास्ते बंद है, ये तो इधर तो सरकार ने खुद बंद करके रखा है कि इंडस्ट्रियल एरियाज बंद है, तो ये सरकार तो डरे हुए है एकदम। तो इसी तरीके से ये तानाशाही पूर्ण पहले कभी नहीं हुआ था कि ये तो कोर्ट ने भी आदेश दिया है, इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार संविधान देते हैं, तो वो भी अभी हम नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि ये एकदम जो है पुलिस राज और चला रहे है सरकार, तो इसके खिलाफ में भी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संख्या में जनता सड़क पे उतरेंगे। वैसे ही लोग मर रहे हैं, कोरोना के लिए बोल रहे हैं कि कोरोना के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन एक अस्पताल नहीं खुला है हमारे गाँव में, हमारे लोगों के ये ना ज़रूरतमंद मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है वो खुद मर रहे हैं कोरोना में, उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, और जब हम अपना आवाज़ उठाते तब कोरोना आ जाता है। तो इन लोगों के खिलाफ में 302 का मुकदमा जारी करना चाहिए कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को मरवा रहे हैं यहाँ पे, और अंबानी अदानी को तिजोरी भर रहे हैं। तो इसके खिलाफ में देश की मेहनत का शावाम आवाज़ उठाएंगे, और कल ये इनका नीति या इनका सरकार खुद बदलेंगे। आप देखिए पूरा देश में आज भर पूरा मजदूर रास्ते में सड़कों पे उतर के आए हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं इस महामारी के चलते हुए सरकार जिस तरीके से मजदूर और किसानों के ऊपर हमला चलाया, एक के बाद एक लॉस इम्प्लीमेंट किया, और उसके चलते हुए जो उसके घर के जो चिल्ड्रेन है जो संतान है उन लोगों का हालत खराब से बदतर होते जा रहा है। हम लोग ये भी देख रहे हैं पूरा देश में जहाँ पर पैंडेमिक के चलते हुए डिजिटल डिवाइड में स्टूडेंट्स अफेक्टेड हो रहा है, हम लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो क्रोनीज है
जो करोड़पति है, जो मोदी का दोस्त अंबानी अदानी है, उन लोगों को सब्सिडी मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है विजय माल्या को, सब्सिडी मिल रहा है मेहुल चौकसी को, लेकिन हम लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग सड़कों पे उतर के आए हैं और ये सॉलिडरिटी ज्ञापन कर रहे हैं हम लोग पूरा देश के साथ, यहाँ पर भी किसान और मजदूरों और मजदूर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हम लोग यहाँ पे सॉलिडरिटी देने आए थे पूरे देश भर में, जिस तरीके से हालात हो रही है आम जनता का, जिस तरीके से रेशन नहीं मिल पा रहा है, पिछले लॉकडाउन में जिस तरीके से आम जनता का हालत हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट्स द्वारा भी दिया गया था कॉल सॉलिडरिटी में, जो मजदूर है, जो किसान है, उनके लिए। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से आवाज को दबाया जा रहा है, जबकि पूरे देश भर में किसान आंदोलन छेड़ चुके हैं, उन पे लाठी चलाई जा रही है, उन पे गोलियां बरसाया जा रहा है, वहाँ पे वाटर कैनन बरसाया जा रहा है। लेकिन ये बात भाजपा को बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स, मजदूर और यहाँ के जो देश भर में किसान है, वो अपना आवाज को नहीं दबने देंगे। वो इस लड़ाई को, अगर संसद में आवाज नहीं उठने दिया जाएगा, तो इस लड़ाई को हम लोग सड़कों से लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे भी। इस तरीके से अगर ये लोग कोशिश कर, एकदम आवाज को दबाए जा रहे हैं, इस टाइम पे हर सब कुछ हो रहा है, भाजपा का सरकार एमएलए खरीद रहे हैं, सब कुछ इस देश के अंदर हो रहा है, उनके सब कुछ इलेक्शन प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन जब किसान की बात आ रही है, मजदूर की बात है, उनके हक की बात आ रही है, आम जनता के हक की बात आ रही है, उस बात को नहीं सुना जा रहा है। संसद में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन को दबाया जा रहा है, इस तरीके से बिल पास किया गया इस लॉकडाउन के दौरान, तो इसी के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जिस तरीके से एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश के अंदर चल रहा है कि कोरोना के नाम पे ये लोग जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता की आवाज को दबाया जाएगा, ये नहीं होगा। चाहे वो एनईपी के खिलाफ आवाज हो, चाहे वो एग्रो जो बिल आए हैं या कानून लेबर लॉज आए, उसके खिलाफ हम आवाज पुरजोर तरीके से आने वाले टाइम में मजबूत करेंगे और इस लड़ाई को सड़कों से जीतेंगे।